ऑल राइट, तो आज हम सेक्शन 9 के ऊपर कुछ डाउट्स लेंगे, यानी कि कॉमन डाउट्स पार्ट 3। ऐसे डाउट जो कॉमन है, यानी कि हर बार हमेशा पूछे जाते हैं, जो बेसिक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सेक्शन 9 का नोटिस आए तो क्या करना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दे के ना मेरे यार फेवड़े हिल गए। भाई क्या करना चाहिए, देखो अगर सेक्शन 9 का कोई आपके पास नोटिस आता है ना, तो उसका आपको रिप्लाई बनवाना चाहिए। ओके, अब रिप्लाई क्या बनवाना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको रहना है, ये मैं वाइफ की तरफ से बताता हूँ, अगर वाइफ को कोई नोटिस आया कि भाई आप, वाइफ को आता है मोस्टली भी सेक्शन 9 का नोटिस आया, अब पूछते हैं भी हमें क्या करना चाहिए। तो देखो या तो आप रिप्लाई बनवाओ या आप पेश हो जाओ, ठीक है, और अपनी बात रखो कि आपको रहना है, तो उसमें बोल दो कि हाँ भाई मैं रहना चाहती हूँ। अगर आपको नहीं रहना है तो उसमें रीज़न दो, भाई मैं रहना इसलिए नहीं चाहती, मेरे साथ इसने डोमेस्टिक वायलेंस किया, ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी किया वो आप उसमें लिखवाओ। ओके, तो मेक श्योर दैट उसका आप रिप्लाई बनवाओ और हो सके तो पेश हो। जितनी जल्दी आप डेट अटेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि लंबा केस चलेगा ना फिर आपको ही नुकसान है। अरे कटिंग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अपील डल सकती है या नहीं। तो देखो हर केस में अपील डलती है। ओके, हर सिविल केस में, हर क्रिमिनल केस में अपील डली जाती है मोस्टली। तो अपील कहाँ डलती है, अपर कोर्ट में। सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट में किया है तो उसके डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका कोर्ट है, यानी जो भी आपका लेवल जिसमें किया है, उससे अपर कोर्ट में ही डलेगी। वो आप अपने एडवोकेट से पूछ लेना, वो वहाँ पे बता देगा। अरे गेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज हस्बैंड ने सेक्शन 9 किया, वाइफ के पास नोटिस गया और वाइफ बोलती है भाई मैं तो रहना चाहती हूँ, और वो आपस में रह भी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ये भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो देखो हस्बैंड को बोलो आप अपना जो केस है वो विड्रॉ कर लो, यानी कि विड्रॉ कर लो, या तो विड्रॉ कर लो या रिप्लाई बनवा दो कि भाई मैं रहने लग गई हूँ, डिग्री पास कर दो, बस बात खत्म। ओके, यानी कि आप विड्रॉ करा लो या डिग्री पास करा लो, आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट आता है कि अगर हस्बैंड ने सेक्शन 9 किया है, अरे गेटिंग, और सेक्शन 9 का नोटिस आया है, नोटिस से पहले ही जो वाइफ है वो घर चली गई है, लेकिन उस वाइफ को घर में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका राइट है उस घर में जाने का, यानी कि आपने शादी की है तो आपका राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई उसको घर जाने में, आपको कोई नहीं रोक सकता बिकॉज आपका वो घर है। अरे गेटिंग, अगर आपको घर में एंटर करने से कोई रोकता है तो आप इमीडिएट एक्शन के लिए 100 नंबर पर कॉल कर सकते हो। अरे गेटिंग, आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब जरूर नहीं है कि सेक्शन 9 का नोटिस आया फिर आप रिप्लाई बनवाओ तब कोर्ट आपको डिग्री पास करेगा तभी आप आओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब होता है जब आप अगेंस्ट में हो, यानी कि आपको हस्बैंड अच्छा नहीं लगता है, आपको घर आना नहीं है, तब की बात है। लेकिन अगर आपकी चॉइस है ना कि अब आपको घर जाना है, तो आप बिल्कुल बेहिचक अपने घर जाओ, अपने हस्बैंड के घर जाओ, आपका राइट है बिल्कुल। कोई आपको सास बहू देवर दुवर जो भी है कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपका वो राइट है। अरे गेटिंग, आपने अपना घर छोड़ा है, हस्बैंड से शादी किया, तो आपका राइट है वो, तो आप बिल्कुल जाओ। अगर आपको कोई रोक टोक करता है आप 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला के बोल सकते हैं कि भाई मेरा घर है, मेरे को एंटर नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोल लीगल नोटिस, क्या हम सोल लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं? तो बिल्कुल भिजवा सकते हो। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो यही करते हैं। सपोज हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ चली गई, अब हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड चालू है, यानी उसको स्मार्ट है वो, उसको पता है भाई, उसको मतलब अवेयर है वो, तो उसको क्या करना है, तो वो क्या करेगा, वो ना एक लीगल नोटिस भिजवाएगा, वो अपने वकील को बोलेगा कि भाई ये काम कर, एक लीगल नोटिस भेज दे, सम्मन वम्मन बाद की बात है, हमें सम्मन नहीं चाहिए, बस तू एक लीगल नोटिस भेज दे, लीगल नोटिस भेज के छोड़ दे, आगे की मुझे प्रोसीडिंग नहीं करनी। तो आप लीगल नोटिस भी भेज सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई सेक्शन 9 का केस ले लिया तो आप पूरा उसको लड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल नोटिस भी आप भिजवा सकते हो, और सिविल केस में कोई इतना दिक्कत नहीं होती, यानी कि आप भिजवा सकते हो, आप लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हो, उसके आगे आप ट्रायल फेस करो ना करो आपकी मर्जी है, बस आप अपना लीगल नोटिस भिजवा सकते हो। अरगेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर लीगल नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं बार बार तो क्या करना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, कोर्ट कभी कभी क्या, जो जनरल रूल है वो ये होता है कि अगर मेयर साइलेंस, अगर कोई चुप है, ओके, अगर कोई चुप है तो वो मान लिया जाएगा कि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की है, यानी कि उसने कोई विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसने चीज़ एक्सेप्ट की है। तो अगर आपका जो नोटिस है वो एक्सेप्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जो नोटिस है ना वो एडी लगा के भेजना चाहिए, एडी एक्नोलॉजमेंट नंबर, आप अपने वकील को बोल देना वो कर देगा। उससे क्या होता है, उसमें ना एक पोस्टल की वो हो जाती है, तो उसको आप नेट पे चेक कर सकते हो कि भी जो आपका जो नोटिस है, जो पोस्ट है, वो कहाँ पहुँचा है, घर पहुँच गया है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा, तो आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होगा कि भाई घर पहुँच गया, लेकिन ये जान पूछ कर रिसीव नहीं कर रहा,
तो उस केस में आप कोर्ट में लगा के आप एक्स पार्टे ले सकते हो कि भाई ले नहीं रहा है लेकिन एक्स पार्टे, अगर ये मैं हस्बैंड की तरफ से बता रहा हूँ कि हस्बैंड सपोज सेक्शन 9 डालता है, वाइफ रिसीव ना करती हो बार बार यानी कि मिस करती हो, या फिर वाइफ की तरफ से कोई भी ऐसा सेक्शन 125 या कोई भी जो भी आपका केस है उसके हिसाब से, ठीक है, ये यूनिवर्सल टर्म है, तो आपने क्या करना है एडी एक्नोलेजमेंट नंबर उसको लगा देना है और आपको पता चल जाएगा कि भाई वो पहुंचा है या नहीं। अगर पहुंचा है तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा। अगर ट्रैकिंग होकर भी वो रिसीव नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो जानबूझकर रिसीव नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप एक्स पार्टे लगा सकते हो कि भाई कोर्ट में आप बताओ कि वो रिसीव नहीं कर रहा वो जानबूझकर, तो आप हमें एक्स पार्टे देने का कृपा करें। अरे गेटिंग, तो यही थे कुछ कॉमन क्वेश्चन। अगर कोई आपका फिर भी कोई लीगल डाउट रह जाता है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काफ़ी सारे नंबर हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, उनको आप कॉल कर सकते हो अपॉइंटमेंट फिक्स करके। ओके, वेरी चीप फीस है, कोई इतनी हार्ड फीस भी नहीं है। तो और पहले मैं आपको बता दूं, जो ये फीस है ना ये टाइम की है, यानी कि टाइम की फ़ीस है, एडवाइस की फ़ीस नहीं है। एडवाइस फ्री है, जो टाइम है ना वो कॉस्टली है, तो उसकी फ़ीस है ये। ओके, तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।